हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जैन जिस मम्मी किचन में। आज हम बनाएंगे साबुदाना और राजगिरा का कुरकुरा नाश्ता, जो ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे। व्रत के लिए चटपटा नाश्ता बनाने के लिए हम एक कटोरी मूंगफली भी भून लेंगे, हल्के आंच में भून लेंगे। देखिए हमारा कप राजगिरा गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं, मूंगफली को निकाल लेते हैं। अब मूंगफली के छिलके को निकाल देंगे हम। आधा कप बिना भीगा साबुदाना, आधा कप भुना मूंगफली जो हमने भूंजे थे एक कप, तो आधा कप मैंने ले ली है। आधा कप का मैं चटनी बनाऊंगी। अब हम इसको पीस लेंगे, मिक्सी से पीस के निकाल लेंगे। देखिए साबुदाना राजगिरा मूंगफली पीस कर तैयार हो गया। अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे। दरदरा ही पीसना है, एकदम चिकना नहीं करना है। अब मैंने साबुदाना राजगिरा और मूंगफली को पीसकर दरदरा पाउडर बना लिया। देखिए अब हम डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक, कटा अदरक, किसा हुआ अदरक आधा चम्मच, दो चार हरी मिर्च, दो बड़ा उबला आलू, अगर आप व्रत में धनिया पत्ती खाते हो तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया एकदम अच्छे से। हमने आटे का डो का ऐसे ही बना ले, फिर हम मोटा ही बनाएंगे लोई। अब हम इसको मोटा ही बेलेंगे। अगर आपको नहीं बेलना है तो आप टिक्की बनाकर भी फ्राई कर सकते हो या सेक सकते हो। अब हम इसको काट लेंगे। आप इसमें पॉलीथिन करके भी काट सकते हो, तो ज्यादा चिपकेगा नहीं। ऐसे काट लिए, ये देखिए निकल रहे हैं आराम से। हमने काट लिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से कट गया, अब हम फ्राई करेंगे। आप अगर व्रत में तेल नहीं खाते तो घी से भी फ्राई कर सकते हो या रोस्ट भी कर सकते हो तावा के तावा में। अब हम पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम ऐसे ही निकालेंगे। अब हम आधे आटे का टिक्की जैसा बना लेंगे, गोल करके ऐसे काट लेंगे। ये देखिए ऐसे दबा देंगे गोल करके सभी आटे को, सभी डो को ऐसे बना लेंगे हम। हमारा टिक्की बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
आपको तवा में सेक कर खाना होगा तो आप तवा में भी सेक सकते हो, कम तेल कम घी से। हमने टिक्की डाल लिए, अब हल्के आंच से ही आराम से हम पकाएंगे। थोड़ा सा पकेगा उसके बाद पलटेंगे हम। हमें अच्छे से कुरकुरा ही सेकना है, जो साबुदाना पीसे है ना वो अच्छे से तल जाए, तो अच्छे कुरकुरा ही पीसना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्रत का नाश्ता बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए हरी मिर्च, भुजिया वाला मूंगफली, धनिया पत्ती डाल देंगे, अदरक पिसा हुआ थोड़ा सा, नींबू का रस आधे नींबू का रस डाल देंगे इसमें, सेंधा नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा पानी। अब हम इसको पीस लेंगे। हमारा चटनी पीस कर तैयार हो गया। देखिए देखिए दोस्तों, हमारा व्रत का चटपटा और कुरकुरा नाश्ता तैयार हो गया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।